हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं बना रहा, जो होगा बस आपके साथ शेयर कर रहा है। और भूख लगी, चल खाते हैं, देखते हैं मम्मी क्या बना रही। मम्मी तो बना रही बाजरे की रोटी चूल्हे पे। कोरबा में तो बनाती नहीं थी क्योंकि वहाँ पे गैस पे बनता नहीं था और छत्तीसगढ़ में बाजरा भी नहीं मिलता। हमारी खुद की खेती रहती है तो इसलिए मिल जाता है। मम्मी बना रही बाजरे की रोटी। मम्मी कैसा लग रहा है बना के? कैसे बनाते हैं बता दो एक बार। किसके साथ सबसे ज्यादा मजा आता है बाजरे की रोटी खाने में? कौन सी सब्जी? उड़द की। तो उड़द की दाल के साथ सबसे ज्यादा मजा आता है बाजरे की रोटी खाने के लिए। घी का चार डालेंगे, उन लोग भी घी जानते हैं। तो फिर चलो मैं खा पी के फिर आप व्लॉग स्टार्ट करता हूँ। भाई खूब मजा आ रहा है चूल्हे के सामने बैठ के बाजरे की रोटी सिकते हुए। और यहाँ पे सामने जस्ट बैठ के रायता और फूलगोभी की सब्जी, बाजरे की रोटी घी के साथ और पनीर की सब्जी। फिलहाल पनीर पनीर मैंने सारे खा लिए पहले ही। खूब मजा आ रहा है भाई। गाइज मैं अभी अपने बड़े भैया का वीडियो दाढ़ी बना रहा था जो मशीन बीच में खत्म हो गई। देखो कैसा लग रहा सर मारे। हाँ नहा लिए जा रहे हैं, अब नहा लिए मतलब फ्री हो गए सारे काम से। दादाजी की मतलब दादा जो बोल रहा हूँ मेरे बड़े भैया, वो चले गए अपने मामा के। अब जा रहे हैं हम लोग बाबा महाराज। यहाँ पे अब कोई नहीं है, जो भगत जी थे वो तो कहीं और इलाज करने गए हैं। यहाँ पे मंदिर खाली है आज। गाइज आप लोगों ने तो वहाँ पे देखा होगा बाबू महाराज पे कोई नहीं है। और तो एक काम करते हैं, आज के व्लॉग में मैं आपको अपना गांव दिखा देता हूँ पूरा, मेरा घर परिवार सब। ये स्टार्टिंग से ही देख लो, ये मेरा प्लॉट है ये पूरा, जिसमें ये पूरे गोबर के कंडे रखे गए हैं। और ये सनी चाचा का लड़का और जिसके हाथ में वो मेरे भैया का लड़का, जिनकी सुबह दाढ़ी बिगड़ गई थी। ले के देखता हूँ। रीशु आ जा, आ जा, अरे आ जा, ले छोड़ो यार, ये तो नहीं आ रहा। चलो आगे चलते हैं, दिखाते हैं। और वो पीछे जो है वो खेत है। और हमारे गांव में 3-4 कास्ट के लोग रहते हैं, OBC जनरल और ST SC। तो सबका अलग अलग बटा हुआ ग्रुप, जैसे कि आधे लोग इधर आधे उधर। और अपने गांव को मैं अपने लास्ट में दिखाऊंगा ऊपर से किस तरीके से मस्त दिखता है। और ये आगे हम लोग अपने बाड़े पे, बाड़े मतलब ये भी हमारा एक हिस्सा है। सब हम पाँच, मेरे दादाजी के पाँच भाई थे, पाँचों भाई के बटे हुए। ये प्लॉट हमारा वो हो गया बाड़ा, जहाँ पे हम लोग गैया वैया अपनी रखते हैं। दिखा देता आप लोग को, ये तो इसका जस्ट पीछे एक कमरा बना हुआ है, कमरे के पीछे यहाँ पे भैंस बनती है। और ये दादाजी मेरे वो बना रहे हैं खाट चारपाई। कितनी बन गई दादा? कितनी बन गई? भाई दादा मुझसे ज्यादा समझदार निकले, जितनी बन गई उतनी, जो जितनी दिख रही उतनी बन गई, और कितनी दिख गई। चलो छोड़ो, चलते हैं अब घर की साइड, घर दिखाता हूँ आपको। फाइनली ये तो मेरे पास आ गया, अब रो नहीं रहा है, बस जान पहचान वालों को देख कर रो रहा है। तो और घर भी पहुँच गए हम लोग इधर। घर थोड़ा बहुत ज़्यादा पुराने टाइप का है क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं, तो हमने यहाँ पर बनवाया भी नहीं। ये मेरे कमरे स्टार्टिंग में पुराने ज़माने के, वो सब पत्थर से बने हुए, ईंटा बहुत कम यूज़ हुआ है। जैसे कि ये देख लो, दरवाजे लकड़ी के बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस दिखा रहा है इसमें, एक मिनट पास से दिखा रहा। ये रहे, ये कमरा, ये कमरे पुराने ज़माने वाले। और ऊपर से जब लाइट, पुराने ज़माने बहुत कम लाइट रहती थी क्या बोल, इसलिए ऊपर में ये बना दिए जाली जाली लगा के, बीच में पूरा खुला। और ऊपर जाके दिखाता आपको। और यहाँ ऊपर चढ़ते ही ये मेरा घर आ गया। ये ऊपर में अलग से मकान बने हैं जहाँ ऊपर सुखा रहे, ये चाचा की लड़की संजना, और इतना है। और उसके बाद जो उस साइड है वो बंटवारे का है, बस इतना ही। और इसके ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ, और इनका चढ़ना भी स्टार्ट मेरे से पहले। क्या हुआ? ओए चढ़ चढ़ गए, अब चलो छत पे। चलो तो अब मैं भी ऊपर चढ़ता हूँ, उसके बाद फिर आपको गांव दिखाता हूँ। छत पर तो चढ़ गया, और बहुत ज़्यादा धूप है आज भाई, बहुत ज़्यादा चेहरे पे पूरा फेस पूरा गर्म हो जा रहा है, इतना ज़्यादा धूप है। और यहाँ से मैं आपको घर दिखाता हूँ। यहाँ से जो पीपल का पेड़ है, ये
सॉरी पीपल का नहीं, बरगद का, बरगद के पेड़ से लेके ये नीम का जो पेड़ है यहाँ तक कि पूरा हमारा परिवार है, जो मेरे दादाजी के 5 भाई थे वो सबका मिला के 5 परिवारों का परिवार। और फिर उसके बाद यहाँ से सामने में हमारा खेत भी है, वो यहाँ से जितना दूर तक दिख रहा है वो हमारा खेत आधा, और उसके बाद इधर रहते हैं दूसरे परिवार लोग, और फिर इधर रहते हैं ब्राह्मण पंडित, ये पूरा ब्राह्मण पंडित लोग का है। भाइयों जा रहे हैं वहाँ पे खेत साइड, वहाँ से रात के और कल के लिए यहाँ वो सूखी लकड़ी लेने जा रहे हैं, जिससे कि चूल्हे में आग लगेगी और रोटी बनेगी, सब्जी बनेगी। वहाँ फ़िलहाल तो वो गैस और सिलेंडर है, लेकिन जो चूल्हे की रोटी का मज़ा है वो अलग ही है, ठंडियों में उससे ताप भी लेते हैं और खाना भी बन जाता है, दोनों काम हो जाता है, इसलिए लेने जा रहे हैं, लेके आते हैं जल्दी से घर, फिर लौटते हैं। एक बंदर दिखा रहा हूँ, इंसानी बंदर देखना वो, रे जो जो भाई ऊपर सूखी लकड़ी तोड़ रहे हैं पेड़ों से, जो जो भाई, हाँ भाई। हेलो, हाय, बढ़िया है, तोड़ तोड़ जल्दी तोड़। मोहित एक किसकी है? मेरी है। कब की? कल की दी गई है, तेज तेज खा ले उसको। नहीं खाऊंगा, तुम खा लो। फाइनली मेरी पोटली बंद गई, इतना सारा मैं ले जा रहा भाई, छुटकू इतना, मोहित और सनी इतना, तीनों के बराबर है एज के हिसाब से। अब इसको जल्दी से घर ले जाते, बहुत ज्यादा वजन लग रहा है इसमें। वन सेकंड मूली पार्टी, और इस बार एक नया मेंबर, जोजो भाई, जिसका निक नेम हम लोग बोलेंगे चोचो भाई। वो रहा पीछे छोटा बुटकू, वो अपना अलग गुस्सा हो गया उसको छोटा मूली मिला तो। फाइनली हम घर पे आ गए इतनी मेहनत के बाद, लकड़ियाँ रख दी, अब रात को रोटी बनेगी बाजरे की, उस टाइम जलेंगी ये और बढ़िया तापेगी, मजा आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और फिर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना वीडियो कैसा लगा मेरा। सो बाय।